नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पहली बार आज के दिन अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी कल्पना चावला। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान कोलंबिया ने 2 सप्ताह में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की थी। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली कल्पना चावला पहली भारतीय महिला और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। इसके बाद 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनका निधन हो गया था। कर्णम मल्लेश्वरी ने आज के दिन बनाया था विश्व कीर्तिमान। भारतीय वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में 19 नवंबर 1995 को विश्व कीर्तिमान बनाया था। वह भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। उन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था। इससे पहले एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते थे। कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज के दिन हुआ था जन्म। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वह वर्ष 1966 से 1977 तक 3 बार और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। वह देश की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने 1975 में देश में आपातकाल लगाया, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की ओर से युद्ध किया और स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 31 अक्टूबर 1984 को 2 सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का आज के दिन हुआ था जन्म। झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उन्होंने महज 29 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। इससे पहले सितंबर 1857 में जब पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।